जहरीली शराब पीने से हुई 10 मौतों को लेकर पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई। गांव कोलारा कला सहित देवरी व शमशाबाद में पीड़ित परिवारों के घर छाया मातम सोमवार को आगरा के गांव देवरी कोलारा कला तथा शमशाबाद में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। जहां कुछ लोगों का अंतिम संस्कार हो गया था, वही जानकारी होने पर प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें फॉरेंसिक जांच के दौरान अल्कोहल तथा जहरीला पदार्थ पाया गया था, जिसको लेकर जा सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वही एडीजी आगरा सहित मंडला आयुक्त आगरा, जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा गांव कोलारा कला में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों से तथा गांव के लोगों से मुलाकात की, जहां गांव के लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग की कार्रवाई नाकारा है। गांव में अवैध रूप से 3 घरों में शराब बेची जा रही है तथा कुछ शराब माफिया गांव में अवैध शराब की सप्लाई करते हैं, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा रहा कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर पुलिस विभाग में प्रभारी निरीक्षक डॉकी, प्रभारी निरीक्षक ताजगंज व शमशाबाद तथा बीट के सिपाहियों को निलंबित कर आबकारी विभाग में 5 कर्मचारियों अधिकारियों पर गाज गिरी। इसी को लेकर गांव कोलारा कला में जब एपीआई की टीम पहुंची तो गांव के लोगों ने बताया कि जो कार्रवाई की गई है उचित है, लेकिन गांव के लोग गांव में वैध तथा अवैध तरीके से जो शराब बिक रही है उसे अब नहीं बिकने देंगे तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए गांव के लोग प्रयास करेंगे। घटना को लेकर थाना डौकी में 4 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें हेमंत कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी कुंडोल, राम प्रकाश पुत्र फतेह सिंह, जितेंद्र कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी बरीपुरा, रामवीर, रामजी लाल पुत्र शांतिलाल, इंदिरा देवी पत्नी रामजी लाल निवासी कोलारा कला, धारा 272, 273, 304, 120 बी, 420, 60 शराब अधिनियम लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो शराब की सप्लाई करता है वह हेमंत प्रमुख है। वहीं थाना शमशाबाद में मैं मृतक के भाई के द्वारा गरी जहान सिंह व अन्य के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन व ठेका के मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कौन से गांव से हैं आप? कोलारा कला से। जो अभी जो घटना हुई है सर, आपसे लेकर 11 लोग करीब खत्म हो गए हैं, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, किस से आप जिससे खुश हैं और क्या आपकी सरकार से मांगे हैं? हमारी ये मांगे है कि जो बच्चा, इनके पिताजी खत्म हो गए बच्चन के, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, करने वाला घरने वाला है नहीं, इनके इतनी सुविधा हो जाए कि इनकी जिंदगी पार हो जाए। और क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं मतलब सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए बच्चन के लिए, पढ़ाई की, लिखाई की, काम की, कुछ जमीन मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, उनका वक्त कट जाए, बातें ज़्यादा आने के लिए वो शराब को लेकर क्या कहना चाहें? शराब के लिए ये कह रहे हैं कि जहाँ गांव में शराब कोई नशे वाली चीज नहीं बिकनी चाहिए, ताकि गांव संतोष हो जाए, मतलब शराब बंद हो जाएगी तो आदमी को तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा। कई बार मैंने किया है शराब वालों से कि यहाँ मत देखो, तो ना तो पुलिस सुनती है, ना कोई नेता सुनता है हमारी बात, ना कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि ये ठेके खुले हैं, क्या इससे पहले भी आप लोगों ने या किसी ग्रामीणों ने शिकायत की? FIR भी करी थी, तो मतलब सुनाई नहीं थी, पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई नहीं लिया था, जिससे कि ये घटना हो गई। हाँ, घटना हो गई। क्या चाहते हैं अब? शराब, हम शराब के ठेके उठने चाहिए यहाँ से, और गांव में 2 की शराब बिकती है, वो नहीं बिकनी चाहिए। अच्छा, हमारे क्षेत्र से बाहर कहीं चली जाए पर यहाँ नहीं बिकनी चाहिए, यहाँ नहीं बिकनी चाहिए। ठीक। बहादुर सिंह सिसोदिया। कौन से गांव से हैं? कोलारा कला से। क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी दिया था जो ठेका हटने चाहिए। अच्छा। हम संध्या को आवते अगर आते गए हम जाते तो शराब पी पी के वो गल न कर हमने से गई कि हटने चाहिए। महिलाओं को भी परेशान करते हैं। महिलाओं को भी परेशान करते हैं, तो आज अच्छे नहीं करते। अगर सरकार द्वारा नहीं उठाए जाते क्या करेंगे फिर? हम लट से उठाएंगे। अच्छा, ठीक। गाँव वाले सब मिलकर लट से उठाएंगे।